अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इनकी नम चेनल नाम और ट्रेडिशनल कूल पाकपो सोल कूल पाकपो अद्कुना नम चेनल सब्सक्राइब पड़ा फ्रेंड्स सब्सक्राइब पड़ूंगे बेल बटन प्रेस पड़ूंगे से पाकल सोल कूल से मुन सोल कुदरा पिंजा अद पाल वरा मुन सोल कुद ना पाल वो सोलते उद्ड और लाइन फुलाको कत वे अब ईसिया वो अतन ईसिया कया उचा इलेना अदार कत यूस पड़ी ईसिया उचल इतमी और नाल सोल कद उल कट और अरूत ग्राम अल्प सोलत मुत नाम मिक्स मूँ बैचसा अरे ना अगर पाल फर्स्ट और बैच ना मिक्सि जार आड पड़ा ना ते ऊती ना अरेचिको अब ना पाल वो ना अरेचाच इधर हॉल वड़ी वड़कटिकल इप्ली हॉल वड़ी वड़को ईसिया सोलत पाल इन इवोड़ सर्द सोलत चिना चिना पीससूम इंगों इत रेव चिना हॉल वड़ी वेसिया वड़कटेड़ा नम डे नम चोल वड़ी वड़कटा आना अब रोमे कष्टम इप्ली हॉल वड़कटे मतलब पड़े उसिया वे मुड़ज पांग ना तिकान पाल वह ना ते ऊती ना वड़कटे वड़कटी पाल इप पुलिंद सकते मरबड़ों पाल सख्य मरबड़ों मिक्सि जार आड पड़ी तीर् ऊती मतलब इतने पाल प्रास और नालू टाइम को रिपीट पड़ी सोलत पाल सुन एन मरबड़ी वड़कटिकल तनी ना ऊती वड़कटोद ईसिया इन पाल सो ती ऊती वड़कटी पुरीजेड़ा सोल सीजन कड़े कांद सोलते वांगी अट्ठे ऊरे वे मारे पाल पुरी से नम वड़क सोलतो पाल मरबड़ों चिना ऊल वड़ तटिकटे वड़कटीन ईसिया इनको अवलोदा नमक स्मूत सोलतो पाल क इत नाम इचपर का माड़ी सोलतो पा ना किंडी विटको ऐसा सोलतो मारे की उदर अल किंडी ना कल अब पता वा अब अड़े उ तंगों ना मिक्स पड़े स्टव आन पड़ा मीडियम हई फ्लेम वे ना किंडिकटे और टेन मिनट्स इपे किंडिकटे कई विवान अल्वक उप सेकल कंसिस्टेंसी वर वरिकिंडी वर वाई विडाम कंसिस्टेंसी पे नम किंडनवश्यम बबल्स ना वह फाइव मिनट्स सिम वे मूड़ पोट वे और फाइव मिनट्स के पे चेक पड़ी पाकल पांग कंसिस्टेंसी नाम वंदिरचाल चेक पड़ना और बउल तेल को ऊटी पांग इरियामचा सोल कूल वंदो नम को वंदिड़ ना स्टव आफ पड़ा नहीं नईट से काले वूल पड़नों काले से ईवनिंग वेल पड़े मार लेटा नीक मारे मूड़ पोट वी ऐसी उलपड़ नेक्स्ट इतना तेवान पा पुरीजेल नाम से रेवोड़ पाल देवपड़ ना इंगा पाल पुरी ना यूस पड़पे पाल पुरी एटाच चलना तेपाल ना सुगर करेचिक उड़े यूस पड़े मारा तेपाल करेचिको सुगर इले अब सोल तो सीधे सुगर करेचिको और एट टेबल स्पून अल्वक सुगर सीकर मार
உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இனிப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்கான இனிப்பா சேர்த்துக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு சுழத்தோட கரைக்கும் போது உங்களுக்கு இனிப்பு திட்டமா இருக்கும். நீங்க நாட்டு சுகர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா ஒயிட் சுகர் சேர்க்கும் போது சுழத்தோட ஃபிளேவர் அது நல்லாவே காட்டும். ஸோ நான் ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேணும்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க நல்லா ரெடி செட்டில் ஆயிருக்குங்க. அப்படியே திக்கா உறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. சுடத்தோட நல்லா திக்கா வந்திருக்கு பாருங்க. இதை நாம இப்போ கரைச்சிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக தான் நான் இப்போ கரைக்க போகிறேன். இங்கே தேவைப்பட்ட சோளத்தை இந்த மாதிரியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தேங்காய் பால் சேர்க்காம நீங்கள் தேவைப்படும் போது தேங்காய் பாலை சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூலாக சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும். ஒரு மசிச்சுக்கோங்க, கொஞ்சமாக லம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக நல்லா ஃபைனாக மசிச்சுடாதீங்க. இது கூட தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணி நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சிக்கோங்க. பாருங்க சின்ன சின்னதாக கட்டி கட்டியாக திக்கா வந்திருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த சோளக்கூழ் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணி பண்ண சோளக்கூழ். இது ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணி பண்ணது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thanks for watching.